राजनांदगांव जिले से लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को मैदान में उतारा है, तो वहीं पूर्व सीएम के मैदान में उतरते ही कांग्रेस में बगावत भी देखने को मिल रही है। बता दें कि विगत दिनों भूपेश बघेल ने बयान दिया था कि कुछ लोग कांग्रेस के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के स्लीपर सेल वाले बयान पर अब राजनीति गर्मा गई है। अब इसी बयान को लेकर आईसीसी के सदस्य अरुण सिसोदिया का कहना है कि वो कांग्रेस का सच्चा सिपाही है और फौजी रहे हैं। राजनांदगांव से नेमिश अग्रवाल की रिपोर्ट। मैंने कल भी कहा था, मैं तो कहता हूँ गांव का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मुझको पता नहीं कि स्लीपर सेल होता क्या है, लेकिन थोड़ा सा पिक्चर थोड़ा वो देखते रहता हूँ मूवी और सुनता हूँ, तो स्लीपर सेल मुझको लगता है एक आतंकवाद का एक रूप है ऐसा बताते हैं। तो राजनांदगांव की जनता जानती है, राजनांदगांव के कार्यकर्ता जानते हैं कि मैं स्लीपर सेल हूँ या नहीं, लेकिन ये जरूर मैं जानता हूँ, हम 5 सालों में देखा है जो छुपे हुए जो लोग इनके हैं, मुझको लगता है स्लीपर सेल की परिभाषा वही है। लेकिन आपके माध्यम से फिर ये कह रहा हूँ मैं, वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जब हम चुनाव लड़ने आते हैं तो हमको इतना अहंकार नहीं करना चाहिए, अपनी भाषाओं को संयमित रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए। राजनांदगांव संस्कारधारी है, जहाँ आप चुनाव लड़ने आए तो आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस टाइप की भाषा का आप उपयोग ना करें, वरना राजनांदगांव के जो लोग हैं ना, थोड़ा सा उनने जो शब्द कहा है ना, मुझको इस बात की बड़ी पीड़ा है। मैंने जब से वो संभाला है पार्टी के लिए काम किया और आज एक मुखिया मुझको स्लीपर सेल कह रहा है, मुझको बहुत पीड़ा है इस बात की। और मैंने राजनांदगांव की जनता, राजनांदगांव की कार्यकर्ता इस बात का जवाब देगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सुरेंद्र दाऊ एक निष्ठावान और अच्छे कार्यकर्ता हैं, और उनके साथ जो वर्ताव हुआ वर्तमान में और उन्होंने बात रखी पूरी सभा के दौरान, वो निसंदेह स्वीकार योग्य है। क्योंकि कार्यकर्ता का भाव अगर कोई नेता रखता है तो बड़े नेता को उसका समाधान करना चाहिए, ना कि उसमें व्यवधान पैदा करना चाहिए और ना ही किसी तरीके से हल्की टिप्पणी करनी चाहिए। आज जिस स्थिति में हमने जो आरोप लगाया वो आरोप नहीं है, वो एक तरह से पूरी तरीके से प्रमाणित चीज़ है, जिसकी पुष्टि कल पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी कर दी कि पैसे का देनदारी तो हुआ है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात है कि जिस कंपनी को पुनर्वसु वर्मा जी की टेसु मीडिया लैब नामक गाजियाबाद की जो कंपनी है उसके एड्रेस की बात आई है, तो वहाँ पे एक अखबार ने बकायदा छापा है कि वहाँ पे इस नाम का कोई एड्रेस पे कोई कंपनी संचालित